पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष सर। आज वसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा जिसको बोला जाता है बंगला में, साथ ही में रिपब्लिक डे है। ये डे आप इंडिया का फ्लैग होस्ट किए हो, इंडियन टीम का रिपब्लिक डे, आप कैसे देखते हो? इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट डे फॉर अ ग्रेट कंट्री। आई बिलीव वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड इट्स अ सेलिब्रेशन विच इज़ गोइंग ऑन इन फ्रॉम द मॉर्निंग। हर जगह में, बंगाल में, दिल्ली में, हर जगह में रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हो रहा है और बस वही। जो बसंत पंचमी है, हम जानते हैं कि पुराना एक बंगाली का वैलेंटाइन डे कहा जाता है, तो पुराना कोई मेमोरी याद आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरा वैलेंटाइन अभी इंग्लैंड में पड़ती है, तो अब क्या करे, उसका पूजा है, उसकी पूजा वो है नहीं, तो उसके लिए हम करते हैं। सर, क्रिकेट का एक दो प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। सर, वीमेन आईपीएल हो रहा है और हमें सबको पता है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग था वो आपके ब्रेन से निकला था, तो ये नहीं, सब मिलके करते हैं। उस समय जब बीसीसीआई के सारे ऑफिस बेयरर्स थे, मैं प्रेसिडेंट था, राजीव जी वाइस प्रेसिडेंट थे, जय सेक्रेटरी, अरुण धूमल ट्रेजर, जयेश जॉर्ज, ये सब मिलके ये किए हैं। जो हमारे आईपीएल चेयरमैन भी रहे हैं ब्रजेश पटेल, सब मिलके इसका तैयारी की थी और अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और ये होना ही था। इंडिया में क्रिकेट इतना बड़ा है कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ इनका ये जो वुमेन्स आईपीएल है उसका इंटरेस्ट देख के। और मैं ये भी समझता हूँ कि आगे ये सिर्फ 5 टीमों में रुका नहीं रहेगा, जैसे आईपीएल बड़ा है समय के साथ ये भी बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन वीमेन जो इक्वल पे है वो भी तो, आप जब बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे तब आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग था, ये जो वीमेन्स क्रिकेट अभी जो उभर के आ रहा है जो मेंस क्रिकेट के सामने, आपका फ्यूचर कैसे देखते? नहीं, हमने बहुत समय दिया था वीमेन्स क्रिकेट में, 3 साल जब से प्रेसिडेंट बने, सेक्रेटरी बने जाए, तो बहुत समय दिया था। बीच में कोविड हुआ 2 साल, उसके लिए थोड़ा सा चीज़ फंसा रहा क्योंकि कर नहीं पाते थे, पता नहीं था कि कब बंद करना पड़ेगा, कब शुरू करना पड़ेगा। तो वुमेन्स क्रिकेट आगे भी बढ़ा है, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट। मैं जब 2019 में प्रेसिडेंट बना और जब 2022 में मेरा टर्म ख़त्म हुआ, उस 3 साल मैंने वुमेन्स क्रिकेट को एक्चुअली डेवलप करते हुए देखा है और इसका श्रेय जाना चाहिए खिलाड़ियों को, वुमेन्स की जो टीम है, जो कोचेस हैं, इस टीम को आगे लेके गए हैं। और अभी तो वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका में, अभी वो टीम साउथ अफ्रीका में खेल भी रही, अच्छा भी कर रही, एशिया कप भी जीता है, तो अच्छा प्रदर्शन की आशा है। दादा का भविष्यवाणी तो हर समय सही रहता है, क्योंकि आज तक का एक इंटरव्यू में आप बताए थे कि विराट कोहली एशिया कप में लौट के आएगा, उसके बाद से विराट कोहली का ट्रिमेंडस फॉर्म चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बैटिंग की है श्रीलंका के सामने, बांग्लादेश के सामने। टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा और क्योंकि भारत उनके ऊपर डिपेंड करता है, और आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सीरीज़ होगा, बहुत कम्पिटिटिव सीरीज़ होगा, दोनों बहुत अच्छी टीम है इस समय, शायद दोनों जाके वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल भी खेले। इंडिया में वर्ल्ड कप है और इंडिया को आप फेवरेट देखते हो? मतलब ये जो टीम खेल रहा है अभी, शुभमन गिल अच्छा कर रहा है, साथ ही साथ ईशान किशन है, ऋषभ पंत चोट के कारण अभी बाहर है, एक्सीडेंट के कारण, ये जो टीम है अभी, ये कैसे देखते हो आप आने वाले वर्ल्ड कप में? टीम तो बहुत स्ट्रांग टीम है, इंडिया कभी वीक टीम बन ही नहीं सकता, जिस देश में इतना टैलेंट है, इतने खिलाड़ी हैं, आधे खिलाड़ी को तो मौका ही नहीं मिलता, जितना खिलाड़ी है वो तो कभी वीक हो ही नहीं सकता। यही चाहूँगा कि यही टीम खेले वर्ल्ड कप तक, यही टीम पकड़ के रखे राहुल द्रविड़ और सिलेक्टर्स और रोहित शर्मा, वर्ल्ड कप तक सारे मैचेस खेले और वर्ल्ड कप में जब जाए बिंदास खेले, ज़्यादा सोचे मत। ट्रॉफी काफ़ी साल नहीं आया है, उसके लिए आप एज एक्स इंडियन कैप्टन क्या बोलना चाहूँगा? वही मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में बिंदास खेले, बिना डरे खेले, ट्रॉफी आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। वो खिलाड़ी ख़राब नहीं होते, जिस टीम में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, कोहली, सूर्या, ये सारे हार्दिक पांड्या, बुमराह, शमी जैसे खिलाड़ी है, जडेजा वापस आएगा, तो ये टीम खराब हो ही नहीं सकता। दादा लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली कैपिटल्स में आप जाओगे, दिल्ली कैपिटल्स का एक आप पहले भी थे, इस बार भी एक नया रोल और फिर से कमबैक हो रहा है महाराजा का, ये कैसे रहेगा, ये कैसे देख रहे हो? रोल से दूसरा रोल, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं उस टीम के साथ बहुत समय से जुड़ा हूँ और जब जुड़े थे 2019 में, उसके बाद 3 साल बहुत अच्छा खेला टीम, आशा करेंगे इस साल टीम अच्छा खेलेगा। ऋषभ पंत की कमी महसूस होगी क्योंकि इंडियन खिलाड़ी हैं और इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, बट इंजर्ड है, क्या करेंगे, आशा करेंगे कि अच्छा खेले टीम।
थैंक यू। हमारे साथ थे पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली और उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड कप में टीम जाएगी भारत की वही फेवरेट है और जो कमी हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी और इंडिया वर्ल्ड कप हाथ में लेके आ सकता है, ऐसा आशा उन पूर्व BCCI कप्तान के है। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ अनिर्बान आज तक कोलकाता।